आज हम बात करेंगे कैरियर कैसेट एसी के बारे में, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर जो कि कैसेट एसी होता है। एक छोटा सा एरर उसमें आता है जिससे क्या होता है कि पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। आज हम इसी को समझेंगे, छोटा सा वीडियो होने वाला है। अगर आप कैरियर के कैसेट एसी में अगर छोटा सा ये एरर आता है, एरर उसमें क्या होता है, उसमें रिले लगा होता है पीसीबी में, आप देख सकते हैं इस तरह से, मैं डिस्प्ले में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से एक रिले लगा होता है जिसमें से क्या होता है टुक 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 करके आवाज़ आता है उसमें, और जिससे क्या होता है कि एरर, उस एरर के कारण हमारा आउटडोर को सप्लाई देना बंद कर देता है। लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्टर लगा होता है, हर किसी को पता है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टर लगा होता है वह आउटडोर को सप्लाई डायरेक्ट जाता है, उसके बाद वह इंडोर को सप्लाई भेजता है। लेकिन एक सीपी का कनेक्शन होता है जो कंट्रोल का वायर होता है, वो सीधा इंडोर्स के पीसीबी से आउटडोर में जाता है, आउटडोर के कॉन्ट्रैक्टर के जो A1 A2 होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं न्यूट्रल और फेस का कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, वो पीसीबी से सप्लाई जाता है। जब एरर आ जाता है तो यह पीसीबी सप्लाई कंट्रोल वायर को सप्लाई नहीं देता है, कट कर देता है, इसलिए कंप्रेसर भी काम करना बंद कर देता है। तो इस फॉल्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है। और मेरे बैकग्राउंड पे आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं आज से मेरा रूम चेंज हो गया है, इसलिए ना तो कैमरा रखने का जगह है ना तो लाइट रखने का जगह है, मैं इसे एडजस्ट करूँगा। आज कल मैं दूसरी जगह पे था लेकिन आज मैं दूसरी जगह पे आया हूँ, यहाँ पे इंटरनेट की कमी है इसलिए मैं सबके कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाया टाइम से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या विंडो एयर कंडीशनर हो उसमें एरर कैसे आता है, उसमें क्या फॉल्ट आता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि 23 मिनट का वीडियो है। अगर उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई भी फॉल्ट को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, वीडियो जब एंड होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वह वीडियो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस एयर कंडीशनर में, इस कैसेट एयर कंडीशनर में होता क्या है आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका पीसीबी लगा होता है और इस तरह से ये सेलिंग में फिक्स होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से फिक्स होता है। अब इसमें क्या होता है, एरर आता है पीसीबी में, आप देख सकते हैं छोटा सा रिले लगा हुआ है, इस सफ़ेद वाला आप देख सकते हैं, सफ़ेद वाला, इसमें से टुक 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 करके आवाज़ आता है। जब इस तरह से आवाज़ आता है तो हमारा जो सीपी का कनेक्शन होता है, जो एक सिंगल वायर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर में जाता है आउटडोर के, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई तो आउटडोर में जा रहा है लेकिन डायरेक्ट आउटडोर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से कनेक्शन डायरेक्ट आउटडोर में चला गया और कॉन्ट्रैक्टर में सीधा एक तरफ से सप्लाई देते हैं EL1 से और T1 से आउट करते हैं सप्लाई, वो कंप्रेसर को जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए जो होता है वो हमारे इंडोर के CP से जाता है, कंट्रोल वायर एक जाता है, न्यूट्रल वायर तो वहीं से मिल जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर को फेस वायर हम देते हैं वो ज़्यादातर क्या, लगभग हर सिस्टम में यही सिस्टम, हर सिस्टम में ऐसे ही होता है कि पीसीबी के रिले से निकल करके आउटडोर के कॉन्ट्रैक्टर के A1 या A2 में जाता है, ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट तभी हो जब हमारे इंडोर का पीसीबी उसे सप्लाई दे, कंट्रोल सप्लाई देगा तभी स्टार्ट होगा, तभी हमारा कंप्रेसर काम करना शुरू करेगा, नहीं तो एक तरफ से कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई जाके और बीच में रुका रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होने के बाद ही T1 T2 को सप्लाई पहुँचता है। तो इस तरह से ये रिले में ये प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है, देखिए अगर आपका सेंसर भी काम नहीं कर रहा होगा तो भी ये प्रॉब्लम होगा। और मेन चीज़ जो मैंने फेस किया है, जो मैंने सॉल्व किया है, उसको मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए उसमें ए आप देख सकते हैं इस तरह से, इसमें एक ड्रेन होल लगा होता है, ड्रेन चारों तरफ एक लकड़ी के जैसा होता है ड्रेन। उस समय मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि उस समय मेरा बॉस था उस समय, इसलिए मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। ये ड्रेन होता है और ड्रेन में वाटर पंप लगा होता है। वैसे तो सारे नॉर्मल एयर कंडीशनर में, इस तरह से स्प्लिट एयर कंडीशनर में एक ड्रेन लगा होता है, उसके बाद आउटपुट पानी निकलने के लिए आउटपुट लगा होता है, पाइप, जिससे पाइप से पानी निकल जाता है।
लेकिन इस कैसेट एयर कंडीशनर में क्या होता है कि उसमें वाटर पंप लगा होता है। जब पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ, ड्रेन चारों तरफ होता है घूम के, इस तरह से देख सकते हैं आप, ड्रेन चारों तरफ से होता है घूम के। जब पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वाटर पंप काम करना बंद कर देता है। अब वाटर पंप काम करना कब बंद करेगा, या तो आपका आउटपुट सप्लाई जो आउटपुट के लिए जा रहा है वो आपका पाइप है, वो अगर ब्लॉक होगा तो उसमें वाटर पंप काम नहीं करेगा। या तो वाटर पंप के साथ एक सेंसर लगा होता है, अगर वो सेंसर भी काम करना बंद कर देगा तो भी हमारा पानी वहीं का वहीं रुका रहेगा। और जब पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उस समय क्या होता है, तब रिले से आपको टिक 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 करके आवाज़ आता है और आपका कनेक्शन आपका कट हो जाता है, जो आउटडोर को जा रहा है सीपी का कनेक्शन है, जो कंट्रोल वायर एक जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए, वो कनेक्शन बंद हो जाता है। फिर पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है, सिर्फ इंडोर चलता है। इंडोर चलता है जो वो भी कूलिंग नहीं करेगा, जब कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कूलिंग नहीं करेगा। तो वाटर पंप को आप जब भी सही कर देंगे, पहले तो एक इस तरह से पाइप लगा होता है छोटा सा, वो बंद होता है कवर की तरह, एक ढक्कन सा बंद होता है, उसको निकालेंगे और बाल्टी में सारा पानी रोक लेंगे। जो ही पानी आप पूरा निकालेंगे उस ड्रेन से पूरा पानी निकालने के बाद आपका वो इरर ख़त्म हो जाएगा तुरंत। टिक 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 जो आवाज़ आ रहा था वो बंद हो जाएगा तुरंत। और उसके बाद आप फिक्स करें कि आपका वाटर पंप ख़राब है, या फिर सेंसर ख़राब है, या फिर आपका आउटलेट पाइप ब्लॉक है। अगर आउटलेट पाइप ब्लॉक है तो, या फिर तो मुंह से आप फूंक करके मारें, या फिर अगर नहीं निकल रहा है तो आप नाइट्रोजन का प्रेशर देकर के मार सकते हैं, या तो आप अपने रेफ्रिजरेंट का ही प्रेशर देकर के मार सकते हैं। वो साफ़ होने के बाद इस तरह का एरर ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो था, क्योंकि अगर आपके सामने अगर आप पड़ जाएंगे कभी भी, आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे आउटडोर से लेकर इनडोर तक, ये ढूंढते रह जाएंगे आप। सीधा आपको पानी बाहर निकालना है सारा, उसके बाद ड्रेन आपको खोल के बाहर निकालना है, वाटर पंप सीधा आपको चेक करना है, आउटलेट पाइप और वो वाटर पंप को आपको चेक करना कि चल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा पानी किसी बोतल में लेकर के आप लगाएंगे तो पानी खींच लेगा तो समझ लीजिए कि चल रहा है। अगर नहीं खींच रहा है तो आपको साफ़ करने की ज़रूरत है आउटलेट पाइप को। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।